Hello students, I welcome you all to another session of the Hindu editorial vocabulary for July the 25th. Aap sabhi ka swagat hai session mein. So welcome everyone to this session of the Hindu editorial vocabulary for July the 25th. Now before I start, I would like to let people know about my Telegram group, which is this Iyer Sir Textbook. इस टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझसे जुड़ सकते हो इफ़ यू वांट द पीडीएफ्स टू दीज सेशंस. इन सभी सेशंस के वोकैब के पीडीएफ्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे सेशन में. लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ओके उस पर क्लिक कर सकते हो या तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो. तो चलिए शुरू करते हैं. बिफोर आई स्टार्ट, मैंने कल आपसे डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस बिटवीन इगोइस्टिक एंड इगोटिस्टिक. What's the difference between egoistic and egotistic? Now, सबसे पहले egoistic एक adjective होता है. आप सभी को पता है कि कोई भी word IC, इक से ख़त्म हो तो ज़्यादातर ऐसे words adjectives ही होते हैं. तो egoistic का मतलब basically होता है people who put their own interests and needs before those of others. Selfish, स्वार्थी लोगों को कहा जाता है egoistic, जो अपने own interest को दूसरे के इससे पहले डालते हैं, अपने ही बारे में सोचते हैं, अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, तो दैट इज इगोइस्टिक. हिंदी में जो लोग अपने हितों और ज़रूरतों को दूसरे के हितों से पहले रखते हैं, ओके अपने हितों को दूसरों के हितों से पहले रखते हैं, उनको हम कहते हैं इगोइस्टिक. स्वार्थी हिंदी में इसका मीनिंग है, ओके. सेंटेंस अगर आप देखो इससे, तो सेंटेंस हो सकता है ही इज सो इगोइस्टिक that he won't help his kin in times of need. He won't even help his kin in times of need. वो इतना ज़्यादा स्वार्थी है कि वह अपने रिश्तेदारों की भी मदद नहीं करेगा ज़रूरत के समय पर. सो ये मतलब होता है egoistic का. अभी egotistic अगर मैं बोलूँ, egotistic भी एक adjective है, लेकिन egotistic का मतलब होता है to have too inflated an opinion about oneself. अपने बारे में खूब बढ़ा चढ़ा के अपने बारे में सोचना कि मैं ही सब कुछ हूँ, ओके. एक्सेसिवली कंसीटेड और अब्सॉर्ब्ड इन oneself, सेल्फ सेंटर्ड, बहुत ही ज़्यादा अहंकार होना, दैट इज egotistic. तो समझिए डिफरेंस है स्वार्थी और अहंकारी में. स्वार्थी मतलब होता है अपने ही हितों का ध्यान रखना दूसरों के पहले, वो स्वार्थी होता है. अहंकारी होता है जिसमें अगले को लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, बाकी सारे नीचे हैं, ओके. सो इगोटिस्टिक का हिंदी में मतलब ये हो जाएगा कि अत्याधिक अहंकारी या अपने आप में लीन, दैट इज इगोटिस्टिक. जैसे सेंटेंस देखो, सम एक्टर्स बिकम वेरी इगोटिस्टिक वंस दे एक्वायर फेम एंड मनी. कुछ एक्टर्स जो हैं वो बहुत ही अहंकारी या इगोटिस्टिक हो जाते हैं जब उनको फेम मिलता है, मतलब जब वो प्रख्यात होते हैं या जब उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता है तब. सो दैट्स द मीनिंग. नाउ आज का जो पहला वर्ड है दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट एक नाउन भी है जिसका मतलब होता है अग्रीमेंट, बट यहाँ पे जो सेंटेंस था उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक वर्ब था. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है टू बिकम और टू मेक समथिंग स्मॉलर और शॉर्टर, डिक्रीज. किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा छोटा कर देना उसको भी कॉन्ट्रैक्ट कहते हो. एक कॉन्ट्रैक्ट तो अग्रीमेंट होता ही है, बट जो सेंटेंस मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक वर्ब के तरह यूज़ हुआ था जिसका मतलब हिंदी में होता है संकुचित होना या करना, सिकुड़ना, संक्षिप्त होना या करना, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट. कम हो जाना, छोटा हो जाना या सिकुड़ जाना. नाउ सेंटेंस था, आफ्टर हिटिंग अ रिकॉर्ड $775 बिलियन इन 22-23, इंडियाज एक्सपोर्ट्स आर ऑफ टू अ रॉकी स्टार्ट दिस ईयर. आउटबाउंड शिपमेंट्स ऑफ गुड्स दैट हैड क्रॉस्ड 450 बिलियन लास्ट ईयर हैव कॉन्ट्रैक्टेड 15.1% थ्रू द अप्रैल टू जून 2023 क्वार्टर. कहता है पिछले साल जो 77, ये एक्चुअली मैं एक्सपोर्ट्स की बात की जा रही थी, ये आर्टिकल द हिंदू एडिटोरियल में लिखा हुआ था. पिछले साल रिकॉर्ड इंडिया का एक्सपोर्ट रहा 775 बिलियन का 2022-23 में. अभी इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स हैं वो उतना अच्छा नहीं रहा इस साल,
आउटबाउंड जो एक्सपोर्ट्स रहा है वो 450 बिलियन लास्ट ईयर क्रॉस कर गया था इस समय पर, लेकिन अभी वो 15% कॉन्ट्रैक्ट कर गया, जिसका मतलब कम हो गया फ्रॉम अप्रैल टू जून 2023 क्वार्टर। पिछले क्वार्टर में 450 बिलियन था, अभी ऑलमोस्ट 15% 450 बिलियन से कम हो के इस साल कम हो गया है एक्सपोर्ट्स। नाउ सिनोनिम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर श्रिंक, डिमिनिश, ड्विंडल और श्रिवल। श्रिंक बोलो, डिमिनिश, ड्विंडल, श्रिवल, इन सभी का मतलब होता है कम हो जाना। एंटनिम्स हो जाएगा एक्सपैंड, एक्यूमुलेट, स्वेल या बलून। बलून जो गुब्बारा आप जानते हो, फुग्गा, बलून का एक्चुअली में इसी वर्ब से मीनिंग ही बना है कि हवा डालने से वो फैलता रहता है, तो बलून एक वर्ब के तरह भी यूज हो सकता है। अगर मैं कहता हूँ ही इज बलूनिंग विथ एवरी एज एवरी वन मंथ पासिस बाई, ही इज बलूनिंग एज एवरी मंथ पासिस बाई, मतलब वो एक गुब्बारे की तरह फैलता जा रहा है हर एक महीने के साथ। सो एक्सपैंड, एक्यूमुलेट, स्वेल, बलून, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट के। नाउ अगला वर्ड आज का जो है दैट इज प्रोविजनल। प्रोविजनल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ओनली फॉर द प्रेजेंट टाइम, दैट इज लाइकली टू बी चेंज इन द फ्यूचर। बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझो तो प्रोविजनल का मतलब टेम्प्ररी, जो अभी कुछ समय के लिए है, आगे वो चेंज हो सकता है, दैट इज प्रोविजनल। हिंदी में केवल वर्तमान तक सीमित, जिसमें भविष्य में परिवर्तन संभावित हो, दैट इज प्रोविजनल इन हिंदी। नाउ सेंटेंस था, जून्स प्रोविजनल एक्सपोर्ट टैली जस्ट शाई ऑफ 33 बिलियन वॉज द लोएस्ट फिगर इन 8 months एंड रिफ्लेक्टेड अ 22% ड्रॉप ईयर ऑन ईयर, अ स्केल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लास्ट सीन अमिड द इनिशियल मंथ्स ऑफ COVID-19 लॉकडाउन्स। देर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द इम्पोर्ट बिल एज वेल एज ओवर द फर्स्ट क्वार्टर, एल्बिट एट अ स्लोअर प्लेस दैन एक्सपोर्ट्स। कह रहा है जो प्रोविजनल एक्सपोर्ट टैली है अभी के लिए, जो एक्सपोर्ट टैली जो आपके पास रिपोर्ट है एक्सपोर्ट के बारे में, जो टेम्पररी रिपोर्ट है, दैट इज प्रोविजनल एक्सपोर्ट टैली, जस्ट शाई ऑफ 33 बिलियन, जस्ट 33 बिलियन के आसपास ही एक्सपोर्ट हुआ है इस साल, वॉज द लोएस्ट फिगर इन 8 months, 8 महीनों में सबसे लोएस्ट फिगर हुआ है ये। इट हैज़ रिफ्लेक्टेड 22% ड्रॉप, पिछले साल के मुकाबले इस साल 22% इसमें गिरावट देखी गई है। अ स्केल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लास्ट सीन अमिड द इनिशियल मंथ्स ऑफ COVID-19 लॉकडाउन। पिछली बार जब इतनी गिरावट देखी गई थी वो COVID-19 के लॉकडाउन में देखी गई थी, जो कि 2020 के आसपास हुआ था। देर हैज बीन अ डिक्लाइन इन इम्पोर्ट बिल एज वेल, इम्पोर्ट में भी कमी आई है ओवर द फर्स्ट क्वार्टर, एल्बिट एज अ स्लोअर प्लेस देन एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट से कम, इम्पोर्ट्स जिसका मतलब हम ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट में ज़्यादा बहुत ज़्यादा गिरावट आया है, इम्पोर्ट में उतना ज़्यादा गिरावट नहीं आया है कंपैरेटिवली, लेकिन इंपोर्ट में भी गिरावट आया है। दैट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। नाउ प्रोविजनल के सिनोनिम्स हो सकते हैं इंटरिम, टेम्पररी, ट्रांजिशनल, प्रोविजनरी, जिसका मतलब होता है फॉर द टाइम बीइंग, नॉट परमानेंट। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं परमानेंट, फाइनल, लॉन्ग टर्म, फिक्स्ड, बाइंडिंग एट्सेट्रा, ये सब प्रोविजनल के एंटोनिम्स हो सकते हैं। अगला शब्द जो आज का है दैट इज प्रेवलेंस। प्रेवलेंस का मतलब होता है द फैक्ट ऑफ समथिंग एग्जिस्टिंग और हैपनिंग ऑफन। अगर कोई चीज़ प्रेवलेंट है तो वो काफ़ी प्रचलन में है, हिंदी में समझो तो इसका मतलब ही प्रचलन ही होता है, जो बहुत ज़्यादा अभी चल रहा हो, बहुत प्रचलन में हो, दैट इज प्रेवलेंस। नाउ सेंटेंस था, दिस 12.7% डिप इज लार्जली ड्रिवन बाई द प्रेवलेंस ऑफ लोअर कमोडिटी प्राइसेज दिस ईयर कंपेयर टू द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर व्हेन द इम्पोर्ट बिल हैड शॉट अप 44.5% आफ्टर द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इरप्टेड। यहाँ पे कह रहा है दिस 12.7% डिप जो है वो ज़्यादातर किसके कारण है, लोअर कमोडिटी प्राइसेस, उसके प्रचलन, वो ज़्यादातर क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस लोअर है उसके कारण ये 12.7% का डिप देखा गया है कंपेयर टू द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर, जहाँ पे इंपोर्ट बिल बढ़ गया था क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, तब 44.5% हो गया था, तो अभी 12.7% हो गया है, 12.7% से गिर गया है।
अभी 12.7% हो गया है, तो एक्चुअली में 22% गिर चुका है वो, दैट्स व्हाट इट मींस। ओके, सो प्रेवलेंस के सिनोनिम्स हो सकते हैं फ्रीक्वेंसी, अकरेंस, परवेसिवनेस, जो ज्यादा प्रचलन में रहे। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं रेयरनेस, अनयूजुअलनेस, इनफ्रीक्वेंसी। दीज आर एंटोनिम्स फॉर द वर्ड प्रेवलेंस। ओके, अगला वर्ड जो आज का है दैट इज एब। एब एक वर्ब है विच मीन्स यूज्ड अबाउट अ फीलिंग एटसेट्रा टू बिकम वीकर। ना एब का लिटरल मतलब समझना, अगर आप कभी समुद्र पे गए हो, समुद्र की लहरें आती हैं तो दैट इज अ वेव, और वो लहरें जब वापस जाती हैं तो दैट इज एब। ओके, जिसका मतलब कहीं पे भी जैसे बाढ़ आ गया और बाढ़ का पानी कम हो गया तो दैट इज एबिंग ऑफ द वाटर और एबिंग ऑफ द रिवर, जब वापस जाता है दैट इज एब। ठीक है, तो वापस जाने को एब कहते हैं, विच इज ई डबल वी। हिंदी में भी वही मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस में लिखा गया है, एब का मतलब हुआ है यूज्ड अबाउट अ फीलिंग टू बिकम वीकर। कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तो आप ऐसे बोल सकते हो, हिज और हर एंगर एज हैज एब्ड नाउ। एब्ड का मतलब कम हो गया, थोड़ा बहुत मतलब पारा नीचे हो गया, उस सेंस में जो हम कहते हैं। तो हिंदी में भावना आदि प्रबलता कम हो जाना, भावना या और किसी चीज का प्रबलता कम हो जाना, दैट इज एब। हिंदी में सेंटेंस था, सीक्वेंशली द डिक्लाइन इन नॉन ऑयल नॉन गोल्ड इम्पोर्ट्स हैज एक्सेलरेटेड फ्रॉम 2% इन मे टू 16.7% इन जून, इंडिकेटिंग दैट डोमेस्टिक डिमांड ट्रिगर्स ऑल्सो आर एबिंग। मतलब डिक्लाइन में नॉन ऑयल नॉन गोल्ड इम्पोर्ट्स, इसका भी कमी हुआ है, ऑयल में भी डिक्लाइन हुआ है इम्पोर्ट्स में, गोल्ड में भी डिक्लाइन हुआ है, और 2% टू 16% इन जून। इससे क्या दिखता है कि डोमेस्टिक डिमांड जो है इंडिया के अंदर, वो डिमांड भी धीरे धीरे कम हो रहा है, पीछे के तरफ जा रहा है, दैट इज एबिंग। सिनोनिम ऑफ एबिंग आर रिसीड, रिट्रीट, सबसाइड और वेन, जबकि जिसका मतलब होता है कम हो जाना, पीछे के तरफ जाना। एंटोनिम्स हो सकते हैं राइज, इंटेंसिफाई, सोर और बिल्ड, जिसका मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज होना। अगला वर्ड जो आज का है विच इज ऑगर, विच इज एक्चुअली अ वर्ब। ऑगर का मतलब होता है ऑफ एन इवेंट और सर्कमस्टांस पोर्टेंड अ गुड और बैड आउटकम, दैट इज ऑगर। किसी चीज की भविष्यवाणी करना, दैट इज ऑगर। हिंदी में भविष्य बतलाना बोल सकते हो, दैट इज ऑगर। कोई अच्छा या बुरा होने वाला है, दैट इज ऑगर। सेंटेंस था, व्हाइल दिस इम्प्लाइज द गुड्स ट्रेड डिफिसिट मे नॉट वाइडन एज इट हैड लास्ट ईयर, इट डज ऑगर वेल फॉर डोमेस्टिक ग्रोथ इम्पल्सिस दैट फॉर्म इंडियाज की आर्मर अगेंस्ट द गैदरिंग ग्लोबल स्लो डाउन। कह रहा है इसका मतलब ये है कि गुड्स का ट्रेड डेफिसिट, जो गुड्स हम इम्पोर्ट करते थे उसमें भी कमी आई है, एक्सपोर्ट में भी कमी आई है, ये पिछले साल के तरह शायद नहीं हो। ओके, कमी तो आई है लेकिन शायद पिछले साल के तरह उतना ज़्यादा बढ़े नहीं, बट इससे यह दिखता है कि डोमेस्टिक जो ग्रोथ होगा, इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा इंडिया का, यह थोड़ा बहुत कम तो होगा, जो कि एक एक आर्मर के तरह काम करता था। आर्मर का मतलब एक जो शील्ड जिसे कहते हैं, हिंदी में क्या बोलोगे उसको, एक ढाल के तरह काम करता था अगेंस्ट गैदरिंग ग्लोबल स्लो डाउन। पूरे दुनिया में मंदी भी आ जाए तो इंडिया में नहीं आ पाता था, क्योंकि इंडिया बहुत गुड्स एक्सपोर्ट करती थी, तो एक्सपोर्ट करने से क्या होता था, पैसा आता था इंडिया में, तो एक्सपोर्ट अगर कम हो जाए तो ऑब्वियसली इंडिया में पैसा नहीं आएगा, जब इंडिया में पैसा नहीं आएगा तो वो ढाल का काम नहीं कर सकता, दैट्स द मीनिंग। सो ऑगर का सिनोनिम हो जाएगा प्रिडिक्ट, प्रिसेज, एंटिसिपेट, पोर्टेंट। ओके, प्रिडिक्ट, प्रिसेज, एंटिसिपेट, पोर्टेंट, सभी का मतलब होता है एक प्रकार का भविष्यवाणी करना। एंटोनिम हो जाएगा अश्योर, डिटरमिन, एस्टैब्लिश, किसी चीज की पक्के तौर पे अभी अश्योरेंस देना, प्रेजेंट में, भविष्यवाणी का एंटोनिम हो जाएगा ये, दैट इज द क्लोजेस्ट ऑपोजिट वर्ड। सो ये ऑगर का मीनिंग हो जाएगा, ठीक है, एंटोनिम्स हो जाएंगे। ना आज का आपको डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बिटवीन स्टैच्यू एंड स्टैट्यूट, स्टैच्यू एंड स्टैट्यूट। स्टैच्यू और स्टैट्यूट एक जैसा शब्द लगता है, बट देयर इज अ डिफरेंस,
कमेंट करके बताइए, कमेंट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वोकैब सेक्शन सेशन। सो सभी फैकल्टीज के जो सेशंस हैं उन्हें रेगुलरली अटेंड करते चलिए। मैं रोज़ 9 बजे आता हूँ और 6 बजे आपके सेशंस लेने आता हूँ रेगुलरली। 9 बजे वो कैब शो होता है, 6 बजे आपका प्रैक्टिस सेशंस होता है। प्लीज़ बी रेगुलर इन दीज सेशंस, दिस विल रियली हेल्प यू। सो दैट वॉज इट इन दिस सेशन। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले सेशन में। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए इफ़ यू वॉन्ट टू डाउनलोड द PDF फॉर दिस सेशन। लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो दैट वॉज इट। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन। बाय बाय।